आखिरकार फाइनली वो दिन आ गया जब आयशा और मनारा जो है वो आमने सामने आके खड़ी हो गई। देखो जब से आयशा आई थी मनारा को प्रॉब्लम तो हो रही थी, ठीक है। मनारा को तो अंकिता से भी प्रॉब्लम थी, मनारा को तो जब मुनव्वर ईशा और चिंटू के साथ क्लोज हो रहा था तो मनारा को उनसे ही प्रॉब्लम थी। एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी आपको याद होगा जिसमें मुनव्वर ने मनारा को गेट लॉस्ट तक बोल दिया था, लेकिन फिर मनारा वापस आ गई थी क्योंकि उस दिन मनारा उस पर गुस्सा हो रही थी, ये तुम्हारे छत्र छाया में आ रहे, क्योंकि मनारा जो है ना उसको मुनव्वर के साथ कोई और नहीं चाहिए। और मुनव्वर का ये है कि मुनव्वर ये कहता है कि किसी को टॉन्ट मत मारो, किसी की वो ज्यादा देर किसी की बिचिंग नहीं कर पाता, उससे नहीं हो पाता, ठीक है। राइडर भैया से हो जाता था तो वो उनके साथ लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन होती थी, मुनव्वर से सब नहीं हो पाता था। तो उसके बाद मनारा और मुनव्वर के बीच में काफी गैप आ गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वीकेंड का वार हुआ उससे पहले भी मुनव्वर मनारा से भाग रहा था, ठीक है। मनारा जो उसके बार बार पीछे जा रही थी लेकिन मुनव्वर एक डिस्टेंस रखा था बिकॉज उसको ये कंट्रोलिंग नेचर अच्छा नहीं लग रहा था मनारा का, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ ये है कि जब से आयशा आई है तो मुनव्वर और आयशा साथ साथ हैं, ठीक है। और मनारा का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एक्सप्रेशंस ही नहीं कंट्रोल कर पाती है। तो अब आयशा जब बात कर रही थी विक्की से तो वहां पे मनारा ने अपने एक्सप्रेशंस जो वो 1000 एक्सप्रेशंस 1 सेकंड का जो वो एक है ना, मुझे लगता है किसी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में ना मनारा का नाम आ जाएगा कि वो 1 मिनट में इतना एक्सप्रेशन दे सकती है। तो वहां पे जो है ना मनारा ने अपने एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दिया और आयशा ने ना बहुत गुस्से में बोला कि ये जो है तुम्हारे मुंह बनाना है मेरे साथ नहीं चलेगा, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ करती हूँ उनके साथ करो, मेरे साथ नहीं चलेगा। उसके बाद मनारा और आयशा की जो आपस में खटपट हो गई जहाँ पे मनारा ने ये बोला कि अपनी लैंग्वेज देखो और मैंने ऐसा कुछ नहीं और ऐसा क्या होगा मैंने कुछ नहीं किया, जो मनारा कहे है कि वो जो है ना वो बात से मुकर जाती कि मैंने ऐसा नहीं किया, सही है, बोल देती है, ब्लंटली बोल देती है मैंने तो ऐसा नहीं किया। उसके बाद जो है आयशा मुनव्वर के पास गई, बोला कि ये कर रही थी और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं एंड ऑल। तो वहां पे मुनव्वर ने कहा अरे यार छोड़ो वो ऐसी ही है और मेरे 4 ही दोस्त हैं और ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और वो ऐसी ही है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ऐसा कोई बात नहीं, बस छोड़ो इस बात को, क्योंकि मुनव्वर की नेचर नहीं है कि वो किसी की बुराई करे। लेकिन यहाँ पे ना देखो हम ना बहुत आसानी से आयशा को तो बोलते चलो ठीक है हाँ आयशा तो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है वो तो हम सब जानते ही, बट ना यार अगर आप अपने ऊपर रख के सोचोगे ना कि अगर आप किसी के साथ खड़े हो और वो बंदा अजीब अजीब से मुंह बनाना शुरू यूं करना शुरू कर देगा तो आपको ना गुस्सा है ना, आपको क्या करो यार, चाहे उसकी आदत है चाहे उसका नेचर है, पर नेचर तो गलत है ना, गलत नेचर है, तो उस पर आप बोलोगे ना यार ये क्या कर रहे हो। तो उसमें ना मनारा को कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। देखो जो आदत गलत होती है वो गलत होती है और उसको कंट्रोल करना ही चाहिए। दैट्स व्हाई सलमान खान अगर मनारा को रोकते हैं हर बार इस तरह की चीज से रोकते हैं, वो उसके करेक्शन के लिए रोकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मनारा बहुत ओवर द टॉप चली जाती है जिसकी वजह से लोग खिंचने लग जाते हैं, लोग जो ना थोड़ा दूर होने लग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये कंट्रोलिंग नेचर और फिर ये एक्सप्रेशन देना, बहुत ज्यादा बुराई करना किसी की बैठ के एकदम से जो है वो ओवर थिंकिंग कर लेना, ये सब चीजें जो है ना वो लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। तो वो कुछ भी कर रही है ना इस वक्त मना रहा फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाता है, अच्छा करते 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 फिर वो ये चीजें शुरू कर देती है फिर नेगेटिव दिखने लगती है। अब 2 हफ्ते बहुत अच्छी रही है लेकिन फिर से वही मना रहा ने शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं मुझसे अग्री, क्या आप अपने बराबर में किसी भी खड़े हुए इंसान का इस तरह के एक्सप्रेशन आपके लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, तो प्लीज बिल्कुल बायस हुए बगैर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।